तो स्टार्ट करेंगे डाइजेशन से और ये ह्यूमन फिजोलॉजी का पहला चैप्टर है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम एज वेल एज योर एलेवेंथ क्लास है ना नीट क्लास नीट के लिए काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहता है सो so, डाइजेशन की अगर हम बात करें डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी लार्ज सब्सटेंस को कंप्लेक्स सब्सटेंस को या इनसोलेबल सब्सटेंस को सिंपल एंड स्मॉल और सोलेबल सब्सटेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दैट इज डाइजेशन। यानी अगर आपने रोटी खाया है अगर आपने दाल खाया है अगर आपने सब्जी खाया है सो दिस रोटी दाल सब्जी दे कंटेन अ वेरी लार्ज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इनसोलेबल मटीरियल इनसोलेबल मटीरियल एंड दिस इज कन्वर्टेड इंटू द स्मॉल सिंपल एंड सोलेबल मटीरियल बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज डाइजेशन दिस इज एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ डाइजेशन डाइजेशन का एग्जैक्ट जो डिफिनेशन है यह यही है कि जो भी लार्ज सब्सेंस होता है जो भी लार्ज सब्सेंस होता है जो भी कंप्लेक्स सब्सेंस होता है जो भी इनसोलेबल सब्सटेंस होता है एंड दे कन्वर्टेड इंटू द दे कन्वर्टेड इंटू द सिंपलर सब्सटेंस स्मॉलर सब्सेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड सोल्युबल सब्सेंस जो ब्लड जो है ब्लड में घूल सके ब्लड में मिल सके और जो है वो न्यूट्रंट जो है हमारे पूरी बॉडी में फैल सके हमारे ब्रेन के अंदर जा सके हमारे लिवर के अंदर जा सके हमारे किडनी के अंदर जा सके ताकि हम सारे ऑर्गन को न्यूट्रिशन पहुंचा सके सो दैट्स कॉल्ड डाइजेशन दिस इज कॉल्ड डायजेशन सो सो डाइजेशन इज बेसिकली डिविजल इंटू द टू पार्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डायजेशन एंड अनदर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन इंट्रा सेलुलर डायजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन तो इंट्रा सेलुलर डायजेशन का मतलब होता है कि uh, मान लीजिए कि बॉडी uh, है ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर कोई भी फूड आइटम आया फूड पार्टिकल्स आया राइट right? और इस फूड पार्टिकल्स जो होता है एक्चुअली uh, वैक्यूज uh, के अंदर आ जाता है और वैक्यूज के अंदर जो है बहुत सारे लाइसोसोमल इंसाइम होते हैं दे आर इम इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द डाइजेशन ऑफ दिस फूड आइटम फूड पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डायजेशन दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डायजेशन सो दिस फूड वैक्यूज फॉर्म इन साइड द सेल सो डायजेशन अकर बाय द लाइसोसोमल इंजाइम दिस टाइप ऑफ डायजेशन इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है हमारे जैसे होता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल्स आया यहां पर तो इस वॉल के ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं इस वॉल के ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड दिस सेल सिक्रीट आर डायजेस्टिव इंजाइम दिस सेल सिक्रीट द डाइजेस्टिव इंजाइम ओवर द फूड पार्टिकल्स एंड द डाइजेशन इज टेक प्लेस दैट इज कॉल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड लगे रहते हैं सर्फेस के ऊपर एंड दे सिक्रीट अ इंजाइम फॉर दिस फूड पार्टिकल्स एंड द डाइजेशन इज टेक प्लेस दैट इज कॉल अ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सो यहां पर देख पा रहे हैं द फूड वैक्यूज फॉर्म हो रहा है और एक ही सिंपल ओपनिंग होता है देर इज अ एंट्री एंड द एग्जिस्ट ऑफ द फूड पार्टिकल्स इज द सेम डायरेक्शन सो एक ही अगर पॉइंट हो एक ही पॉइंट से अंदर आए खाना और उसी पॉइंट से बाहर जाए खाना सो दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर जाइजेशन तो बेसिकली ये जो होता है लोअर एनिमल्स में काफी रिपोर्टेड है क्योंकि उनमें जो है सेपरेट माउथ uh, नहीं होता है सेपरेट एनएस नहीं होता है दे आर मिलली रिपोर्टेड इन अ लोअर एनिमल्स राइट सो द फूड वैक्यूज आर फॉर्म्ड इन साइड द सेल एंड डायजेशन इज टेक प्लेस बाय द लाइसोजोमल इंसाइन द प्रोटोजोवा प्रोटेस्टिस पॉरीफेरा स्पॉन्जेज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा सेलुलर डायजेशन एंड द सेलिनरेट ऑन वॉर्ड जैसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था सेलूनरेट के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सबका जो डायजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन होगा सो डायन डायजेस्टिव सिस्टम जो होता है माउथ uh, से लेके एनएस तक uh, पूरा हमारा एक डायजेस्टिव सिस्टम होता है तो so, माउथ से लेके पूरा एनएस तक दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और अगर हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एलोबरेट करके देखें और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है सो दिस माउथ दिस माउथ और माउथ के अंदर क्या हो सकता है माउथ के अंदर हमारा सेलेवरी ग्लैंड हो सकता है माउथ के अंदर हमारा तीत हो सकता है माउथ के अंदर हमारा टंग हो, हो सकता है और माउथ के अंदर ही लिप्स भी हो सकता है सो दिस इज अ फोर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ दैट इज लिप्स टंग

कि स्टमक uh, के कौन कौन से पार्ट होते हैं जैसे स्टमक खत्म होता है जैसे ये स्टमक खत्म होता है सो देर इज अ स्मॉल इंटेस्टीन राइट द स्मॉल इंटेस्टीन के तीन पार्ट होते हैं उसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है मान लीजिए कि आपसे कोई बड़ी सिस्टर uh, है उसे हम दीदी बोलते हैं ठीक है उनकी शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड आपके जीजा लगेंगे और आप खुद हैं आई है तो अगर दीदी ऑल टाइम फेवरेट होती है सबकी ठीक है तो जो भी चीज लाएंगे सबसे पहले आप दीदी को देंगे फिर अपने जीजा को देंगे और जो बाद में बचेगा वो खुद आई मतलब खुद ले लेंगे सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन इज ड्यूडनम द सेकेंड पार्ट इज जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन इज ईलियम ड्यूडेनम जेजुनम ईलियम दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन नाउ स्मॉल इंटेस्टीन जो होता है खत्म होता है लार्ज इंटेस्टीन में तो लार्ज लार्ज इंटेस्टीन के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टिन के भी तीन पार्ट होते हैं वन इज कॉल सी कम जिसके अंदर वो ओपन होता है द सी कम उसके बाद होता है कोलोन और कोलोन को यहां पे देख पा रहे हैं कोलोन के भी तीन पार्ट हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन फिर ट्रांसवर्स कोलोन और फिर डिसेंडिंग कोलोन तो यानी ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है सो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन और फिर उसके बाद

पढ़ना है कि माउथ के अंदर क्या है स्टमक के अंदर क्या है स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर क्या है सारा चीज हम एलोबरेट होकर पढ़ेंगे कि क्या चीज हो सो माउथ माउथ के बारे में बात करते हैं माउथ के बारे में बात करते हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ध्यान से फोकस होकर पढ़िएगा और आपको हर चीज याद हो जाएगा सो माउथ कंसिस्ट ऑफ द लिप्स तीथ टांग एंड सेलेवरी ग्लैंड ठीक है तीत तीत लिप्स तीथ टांग एंड सेलेवरी ग्लैंड So, uh, जो होता है uh, सबसे पहले हम लिप्स के बारे में बात करें ठीक है uh, सबसे पहले हम लिप्स के बारे में बात करते हैं <coughs> uh, uh, सबसे पहले हम लिप्स के बारे में बात करेंगे तो लिप्स में जो होता है लिप्स जो होता है मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलारिस और इस मसल सो देयर इज अ मसल दैट इज कॉल्ड ऑर्बिकुलारिस और इस मसल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लिप्स जो होता है कौन से मसल्स से मिलकर बना होता है तो लिप्स आर मोटाइल विच इज मेड अप ऑफ और विकुलारिस और मसल्स एंड लिप का लिप्स का जो कलर होता है ऑलवेज इट्स पिंक पिंक इज नेचर बिकॉज यहां पे जो होता है uh, बहुत सारे आर्ट्रीज बहुत सारे वेन्स आके एक साथ जुड़ जाते हैं दैट इज कॉल एनास्थमोसिस तो एनास्थमोसिस का मतलब होता है दैट इज अ ज्वाइनिंग ऑफ आर्ट्री और वेन ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी दैट इज कॉल्ड एनास्मोसिस इट इज अ मेडिकल टर्म जब आप डॉक्टर बनेंगे तो देर इज अनाटमी देर इज अ फिजोलॉजी वहां पर एनास्थमोसिस पढ़ेंगे एनास्मोसिस का मतलब होता है जब आर्टरी और वेन आपस में जुड़ जाए दैट इज कॉल्ड एनास्मोसिस सो सिविस इज ग्लैंड सो द लिप का जो कलर होता है ठीक है लिप का जो कलर होता है पिंक होता है एनास्थमोसिस का मतलब होता है कि जब आर्टरी और वेन आपस में एक साथ मिल जाए सो दैट इज कॉल्ड एनास्मोसिस तो आर्थरी और वेन आपस में ऐसे मिल जाए सो दैट इज कॉल्ड एनास्मोसिस और जब आर्थरी और वेन आपस में मिलती है, है ना आर्थरी और वेन आपस में मिलती है तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और जहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा ठीक है द कलर विल बी पिंक सो द सीबीसिस ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड सिबिस ग्लैंड जो होते हैं आउटर साइड होते हैं एंड स्वेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन साइड दिस इज अ ऑल अबाउट द लिप्स बट दिस लिप्स इज नॉट कंसर्ड इन द एनसीआरटी और एनसीआरटी में लिप्स के बारे में नहीं बताया गया है द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ तीथ और इससे जो क्वेश्चन काफी बार नीट में आता है तीथ के बारे में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं सो स्टडी ऑफ तीथ इज कॉल्ड ओडोन्टोलॉजी स्टडी ऑफ तीथ इज कॉल्ड ओडोन्टोलॉजी एंड द ओ ओरिजिन जो होता है इसका एक्टोडम और मीजोडाम होता है ओरिजिन जो होता है एक्टोडम और मीजोडाम होता है मेनली uh, इसे मीजोडाम बोलते हैं मेनली जो होता है मीजोडाम uh, इसका तीत का ओरिजिन होता है ओरिजिन का मतलब ये होता है कि uh, जैसे किसी का जन्म होता है तो जम लेयर होते हैं देर इज जॉम लेयर और जर्म लेयर तीन टाइप के होते हैं एक्टोडर्म मीजोडम एंडोडर्म्स तो मान लीजिए कि एक्टोडर्म से अगर कोई भी ऑर्गन बने, so बने तो दिस ऑर्गन इज कॉल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन अगर मान लीजिए मीजोडम से कोई ऑर्गन बने तो द ऑर्गन दैट इज कॉल्ड मीजोडर्मल इन ओरिजिन अगर मान लीजिए एंडोडर्म से कोई ऑर्गन बने तो दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मल इन ओरिजिन सो डिपेंडिंग ऑन द दैट जर्म लेयर से क्या क्या चीज बन रहा है उस पर ये डिपेंड uh, रहता है तो so, मीजोडम जो होता है बेसिकली uh, टीथ का जो ओरिजिन होता है मीजोडम से होता है ये जर्म लेयर के बीच वाले लेयर से बना होता है जैसा आपको याद रखना है कि मीजोडम से बना होता है और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज कल्ड गम्फोसिस तो गम्फोसिस जो होता है ये टाइप ऑफ ज्वाइंट है जिसके अंदर जो होता है टाइप ऑफ ज्वाइंट का मतलब होता है कि ऐसा ज्वाइंट जो कि बिल्कुल मूवेबल ना हो ठीक है मूव ना करे दिस इज अ टाइप ऑफ फाइबरोस ज्वाइंट और इमूवेबल ज्वाइंट राइट right? उसमें सूचर आता है गम्फोसिस आता है जो कि हम मूवमेंट एंड लोकोवेशन में डिस्कस करेंगे तो फाइबरस ज्वाइंट और इमूवेबल ज्वाइंट का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में एक ऐसे ज्वाइंट जो कि कभी मूव ना हो सके एंड द सूचर ब्रेन के ऊपर होता है और दूसरा एग्जाम्पल है गम्फोसिस तो गम्फोसिस इज कॉल्ड पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट पैग का मतलब होता है दिस वन इज अ पेग राइट एंड सॉकेट का मतलब होता है दिस वन इज अ सॉकेट राइट तो पैग एंड सॉकेट ज्वाइंट तो पैग जो होता है अंदर सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है धसा हुआ होता है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से धसा हुआ होता है और हिलता नहीं है ठीक है सो दिस इज अ टाइप ऑफ ज्वाइंट विच इज नॉट अ मूवेबल इन नेचर जैसे हम हाथ को हिला सकते हैं फिंगर्स को मूव कर सकते हैं गर्दन को हिला सकते हैं तो दे आर मूवेबल ज्वाइंट बट द स्थ इज नॉट मूवेबल ज्वाइंट अनलेस और अनटिल कोई हिला के पकड़ के मारे ना और किसी कोई आपको मुंह पे मुक्का ना मार दे नहीं तो ये ज्वाइंट टूट सकता है सो दे आर मेनली फाउंड इन द थीकोड टीथ दे आर मेनली फाउंड इन द थी टीथ जैसे हमारे अंदर जो है थीकोड तीथ uh, होता है सो दैट इज कॉल्ड थिकोडोंट टीथ पार्ट्स ऑफ टीथ के बारे में बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ टीथ जो होता है सो पार्ट ऑफ टीथ के बारे में देखते हैं ठीक है <coughs> तो पार्ट ऑफ तीथ के बारे में देखते हैं कि पार्ट ऑफ तीथ क्या होता है तो एक्चुअली जो तीथ होता है कुछ इस प्रकार होता है ठीक है तीथ में जो जब हम हंसते हैं बोलते हैं जो पार्ट एक्सपोज होता है जो दिखाई देता है सो दैट इज कॉल्ड क्राउन दैट इज कॉल्ड क्राउन द क्राउन इज अ एक्सपोज पार्ट दैट इज अ विजिबल पार्ट जो हम देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो काफी uh, धसा हुआ पार्ट रहता है अंदर डीप रहता है इम्बेडेड रहता है सो दैट इज कॉल्ड नेक एंड रूट ठीक है तो जो क्राउन पार्ट है जो हम ऊपर से उभरा हुआ पार्ट है जो हम देख पाते हैं जो हंसते हैं बोलते समय जो आप दांत का स्ट्रक्चर देख पाते हैं दे आर क्राउन जो पार्ट अंदर धसा हुआ है अंदर डीप है दिस इज अ नेक एंड रूट तो नेक जो होता है इट इज अ रीजन बिटवीन गम एंड तीथ लेट सपोज दिस इज अ तीत राइट एंड दिस वन इज अ गम ये अंदर इतना धसा हुआ है तो जो ई वाला पार्ट है बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेक इसे हम नेक बोलते हैं ठीक है जो अंदर धसा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड रूट ठीक है एंड द रीजन ठीक है तो रीजन द रीजन बिटवीन द बोनी सॉकेट एंड तीत इज कॉल्ड रूट तो नेक द रीजन बिटवीन द गम ये गम होना चाहिए गम एंड तीत इज कॉल्ड नेक और रूट जो होता है अंदर बोनी सॉकेट तक होता है अंदर होता है जहां पे बहुत सारे बहुत सारे वेन्स बहुत सारे आर्ट्रीज आ, इस रूट के अंदर होती हैं दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट और इसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट के एग्जाम में तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेसिकली दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ तीथ ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ तीथ है और अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ तीथ को अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मैच करके देखेंगे तब इसको इसको समझना आसान रहेगा तो जो भी एक्सपोज पार्ट हमारा होता है जो भी एक्सपोज पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्राउन तो लेट सपोज दिस इज एक्सपोज पार्ट ये क्राउन पार्ट है तो ये आपको थोड़ा सा एक्सपोज पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बट यहां पे देख रहे हैं कि इस एक्सपोज पार्ट के ऊपर एक पिंक कलर का कवरिंग है दिस इज अ पिंक कलर कवरिंग एंड दिस पिंक कलर पिंक कलर कवरिंग इज कॉल्ड इनेमल दिस पिंक कलर कवरिंग इज कॉल्ड इनेमल और इस पिंक कलर को कवरिंग जो जैसे हमारा जो भी एक्सपोज पार्ट है जो हमारा पार्ट दिखाई देता है ठीक है तो इससे एक्सपोज पार्ट यानी क्राउन के ऊपर एक कवरिंग uh, होता है एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड इनेमल और इस एनेमल को जो सिक्रीड करता है तो देयर इज अ सेल दैट इज कॉल्ड अमीलो ब्लास्ट सेल तो देर इज अ सेल दैट इज कॉल अमीलो ब्लास्ट सेल तो देर इज अ सेल दैट इज कॉल अमीलो ब्लास्ट सेल तो अमीलो ब्लास्ट सेल सीक्रीट अ एनिमल एंड दिस एनिमल इज डिपॉजिट ऑन द क्राउन पार्ट ठीक है एंड विच इज अ वेरी हार्ड इन नेचर फिर ये वाला पार्ट रू, नेक है आ, क्योंकि एक्सपोज पार्ट और गम के बीच में जो पार्ट रहता है दैट इज कॉल नेक पार्ट इससे आप रिजंबल कर सकते हैं दिस इज अ नेक पार्ट और दिस वन इज अ रूट जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस तरह से दिस वन इज अ रूट ये पूरा जो है रूट है जो आपको इस वाले पोर्शन में आप इसको देख सकते हैं तो दिस इज अ रूट रूट में देखेंगे आपको तो एक पल्प कैविटी एक गोल सा ऐसे पल्प कैविटी आपको नजर आ रहा है इस पल्प कैविटी के चारों तरफ एक छोटे छोटे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं एंड दिस सेल इज कॉल्ड सीमेंटो ब्लास्ट सेल अब इस सीमेंटो ब्लास्ट से जो होते हैं ये सीमेंट से करते हैं बट ये वाला सीमेंट नहीं है जो हम घर बनाते हैं ठीक है घरों में बनाने के लिए जो यूज होता है ये सीमेंट नहीं है एक्चुअली ये सीमेंट जो होता है इस दांत को जो क्राउन पार्ट है उस क्राउन पार्ट को अंदर तक इंबेडेड करने में मदद करता है फिक्सिटी प्रोवाइड करता है ताकि हिले ना टूटे ना जल्दी से तो दिस सीमेंट इज इंपॉर्टेंट टू द फिक्सेशन ऑफ दिस क्राउन पार्ट फिक्सेशन ऑफ द तीथ इन साइड द गम इन साइड द रूट ताकि जो है हीले डूलेना सो दिस इज अमेंटो ब्लास्ट सेल विच इज अ प्रजेंट ऑन द पल्व कैविटी दिस इज प्रजेंट ऑन द पल्व कैविटी उसके बाद जो है अंदर जो है अंदर भी आपके एक लाइनिंग के सेल्स होते हैं दैट इज कॉल ओडोन्टो ब्लास्ट सेल सो दिस अडोटो ब्लास्ट सेल सिक्रीट अ डेंटाइम ये भी सिक्रीट करता है डेंटाइन तो यहां पर तीन टाइप के हमें हमें सेल के बारे में नॉलेज मिला वन इज कॉल्ड अमीलो सेल विच इज सिक्रीट अ इनेमल एंड अनदर सेल इज ओडोन्टो सेल दैट इज सिक्रीट अ डेंटाइन एंड अनदर सेल दैट इज कॉल्ड सीमेंटू सेल विच सिक्रीट अ सीमेंट दिस सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनेमल किससे सिक्रीट होता है अमेलो से डेंटाइन किससे सिक्रीट होता है ओडोन्टो ब्लास्ट से सीमेंट किससे सीक्रेट होता है सीमेंटो ब्लास्ट है तो सीमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज सीमेंट एड सीमेंटो ब्लास्ट तो आने के कारण ये आने होगा तो ये दो सेल से आएगा अमीलो ब्लास्ट ओडोंटो ब्लास्ट अमीलो ब्लास्ट एनिमल ओडोंटो ब्लास्ट देनटाइन साथ के साथ इसे याद करने की कोशिश कीजिए फिर इस पल्प कैविटी में देखेंगे कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे नर्व्स होते हैं तो अगर कोई दांत जोर से पकड़ के हिलाए तो आपको ब्लीडिंग होने लगती है मसूड़े से ब्लीडिंग आने लगती है गम से ब्लीडिंग होने लगती है कारण यही होता है कि आपके ब्लड वेसल टूट जाते हैं बिकॉज जब हम दांत अगर इस क्राउन पार्ट को बीस से अगर काट दिया जाए तो कुछ भी दर्द नहीं होगा अगर बिना हिलाए कुछ शार्प बिल्कुल शार्प uh, चीजों से अगर काट दिया जाए तो कुछ भी पेन नहीं होगा बिकॉज देर इज नो पेन रिसेप्टर देर इज नो एनी ब्लड देर इज नो एनी नर्व्स बट अगर वही दांत को हिलाया जाए तो पेन होगा दर्द होगा ब्लीडिंग होगी क्यों पेन होगा बिकॉज द नर्व इज देयर ब्लीडिंग क्यों होगी क्योंकि ब्लड वेसल इज देयर राइट सो दिस इज ब्लड वैसल्स एंड नर्व इज बेसिकली प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट पार्ट द रूट पार्ट जो कि uh, तीत को अच्छे से ग्रो करते हैं फ्लरिश करते हैं और जिस पॉइंट से ये सारा चीज जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड अपाइकन फोरामिन सो दिस अपाइक फोरामिन इज अ ओपनिंग

अपाइकल फोरामैन क्लोज हो जाता है तो फर्दर तीत का ग्रोथ नहीं हो पाता अगर मेच्योरिटी uh, के बाद जैसे मैं मेच्योर हूं अगर मेरा दांत टूट जाता है तो फर्दर उस जगह पे दूसरा दांत नहीं आ पाएगा बिकॉज द अपाइकल फोराम इज क्लोज बट कुछ ऐसे रोडेंट एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिड और uh, चूहे उनके जो दांत अगर टूटेंगे तो फिर से आ जाएंगे बिकॉज द अपाइकल फोरामैन इज अ कीप ओपन कीप पेटेंट ताकि जो है उससे ब्लड वेसल्स नर्व्स आते रहेगा और जो है उससे जो है ग्रोथ होता रहेगा सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो पल्व कैविटी के बारे में देखते हैं जो अभी मैंने यहां पे पल्प कैविटी बताया था ये वाला पल्प कैविटी तो पल्प कैविटी के ऊपर जो होता है तो दैट इज कॉल्ड सीमेंटो ब्लास्ट सेल ठीक है जो कि सीमेंट सिक्रिएट करता है तो दे आर फाउंड इन द रूट रीजन ये रूट रीजन के अंदर होता है एंड इट इज लाइंड बाय द टू टाइप ऑफ सेल्स ओडोन्टो ब्लास्ट सेल और सीमेंटो साइट सेल तो सबसे पहले हम सीमेंटो साइट सेल के बारे में देख लेते हैं जो कि सीमेंट सिक्रिएट करता है तो so, ये मीजोडर्मन इन ओरिजिन होता है एंड दे सिक्रिएट अ सीमेंट इन अ नेक और रूट रीजन एंड दिस सीमेंट इज अ व्हाइट फाइबर्स विच फॉर्म अ पेरीओडेंटल मेंब्रेन पेरीओडेंटल मेंब्रेन करता है एंड फिक्सिटी में मदद करता है फिक्सिटी में मदद करता है फिक्सिटी ऑफ टीथ में मदद करता है दांत को फिक्स करने में मदद करता है दैट इज कॉल सीमेंटो साइड सेल सीमेंटो साइड सेल फिक्सिटी में मदद करता है दूसरा हमारा जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड ओडोन्टो ब्लास्ट सेल ओडोन्टो ब्लास्ट सेल जो होता है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है एंड दे सिक्रीट अ डेंटाइन ये डेंटाइन सिक्रीट करता है तो ये डेंटाइन सिक्रीट करता है अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे दैट इज पोसिस्टेंस पल्प कैविटी अभी मैंने बताया था कि जो ये पल्प कैविटी जो होता है पल्प uh, कैविटी जो होता है जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाते हैं सो दैट इज कॉल्ड पल्प कैविटी एंड दिस पल्प कैविटी हैज अ ओपनिंग पल्प कैविटी इज अ ओपनिंग ऑफ अ पाइकल फोरामिन थ्रू विच द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इज एंटर एंड इट इज जनरली ब्लॉक आफ्टर द अटेंडिंग मच्योरिटी जैसे मैं मच्योर हूं तो ये ब्लॉक हो जाएगा रुक जाएगा और फर्दर जो है uh, इससे कोई भी चीज नया चीज जनरेट नहीं हो पाएगा बट इट कीप ओपन इन सम एनिमल्स एंड द ग्रोथ ऑफ टीथ अकर थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो ग्रोथ होगा थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहेगा एग्जाम्पल इज इंसाइजर ऑफ रैट एंड रैबिट एंड टक्स ऑफ एलिफेंट इंसाइजर ऑफ रैट एंड रैबिट एंड टक्स ऑफ द एलिफेंट दिस इज एग्जाम्पल विच इज कीप ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग डेंटाइन के बारे में बात करें तो इट इज अ मीजोडर्मल इन ओरिजिन ए इमीजोडॉर्मल इन ओरिजिन होता है और इसमें जो होता है 69 परसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सो इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी जो भी चीज हार्ड होगी हार्ड जो होता है सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है अगर जितना ज्यादा इनऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा सब्सेंस जो होता है हार्ड होगा तो इसमें करीब 69% नाइन इनऑर्गेनिक मैटर है इसलिए इसे सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट बोला जाता है uh, हमारे बॉडी का अगर हम इनेमल की बात करें तो इट इज सिक्रेटेड बाय द अमीलो ब्लास्ट सेल इट इज सिक्रेटेड बाय द अमीलो ब्लास्ट सेल सेल काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखिए कितना ज्यादा करीब 96% सिक्स परसेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं देयर इट इज द फर्स्ट hardest substance in the body. The first hardest substance is enamel. The first hardest substance is enamel. The second second hardest substance is dentine and the third hardest substance is bone is bone. So this is a sequence of the hardest substance in our body

सुपरफिशली आके दांत हमारा अटैच हो जाए है ना सुपरफिशली दांत आके खाली अटैच हो जाए एम्बेडेड ना हो अटैच हो जाए खाली सो दैट टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड एक्रोडॉन टीथ। आप खुद से समझ सकते हैं कि खाली जॉबोन्स पे खाली अटैच है वो ठीक है खाली जॉबोन पे अटैच है वो तो थोड़ा सा भी अगर फोर्स आएगा तो दांत हट जाएगा सो द टूथ द टीथ सुपरफिशली प्लेस ऑन द जॉ एग्जाम्पल द शार्क अंफीवियन रूटलेस तीथ प्लूरोडॉन टीथ का मतलब यह है कि जॉ के लेटरली ऐसे लेटरल फॉर्म में ऐसे अगर आ, सारा चीज निकले लेटरली ग्रोथ हो लेटरली ग्रोथ हो दैट इज कॉल प्लूरोडॉन थीथ तो तीथ अटैच लेटरली ऑन द जॉ बोन लिजर्ड एंड फैंग ऑफ स्नैक और आपको पता है कि हमारे अंदर जो दांत होता है दिस इज कॉल थीकोडॉन टीथ दे आर इंबेडेड इन साइड द इम्बेडेड इन साइड द embedded inside the embedded inside the uh, jaw embedded inside the jaw that is called a uh, mammals and crocodile is example of the thecodontid so the type of teeth on the basis of structure and function structure of function ke uh, jo hai uh, बेसिस पे दांत को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं वन इज कॉल्ड होमोडोंट हेट्रोडोंट ध्यान से देखिएगा होमो का मतलब होता है सेम होमो हमेशा सेम अगर किसी के माउथ पार्ट में बिल्कुल सिमिलर टाइप के दांत हो सिमिलर टाइप के दांत हो सो दैट इज कॉल्ड होमोडोन तो हमारे अंदर सिमिलर टाइप के दांत नहीं है हमारे इंसाइजर अलग है कैनाइन थोड़े न्यूक्विले हैं प्री मोलर मोलर कुछ डिफरेंट है तो वी आर नॉट अ होमोडॉन राइट तो सिमिलर टाइप ऑफ तीथ सिमिलर टाइप ऑफ तीथ इज प्रेजेंट इन साइड द माउथ दैट इज कॉल्ड होमोडॉन हेक्ट्रोडॉन देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ तीथ इन साइड द माउथ दैट इज कॉल्ड हेट्रोडॉन राइट तो हेट्रोडॉन जो होता है इसे क्लासिफाई करते हैं इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर इंसाइजर का मतलब होता है फ्लैट उसका जो कप होगा वो फ्लैट होगा सो फ्लट फ्लैट सर्फेस होगा देर इज नो कप्स कप्स का मतलब होता है ऐसे ग्रूव ऐसे ग्रूव को हम बोलते हैं कप्स कप्स तो हमारे इंसाइजर को आप फील करके देख सकते हैं है ना बिल्कुल फ्लैट होता है तो फ्लैट सर्विस नो कप्स एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कटिंग कोई भी चीज को काटने में मदद करेगा काटने में मदद करेगा है ना दे इंपॉर्टेंट फॉर द कटिंग तो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द कटिंग काटने में मदद करेगा तो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द कटिंग सो दिस इज कॉल्ड इन केनाइन जो होते हैं नुकीले होते हैं केनाइन जो होते हैं नुकीले होते हैं सो दे आर पॉइंटेड सर्फिस दे हेल्प इन द टीयरिंग किसी चीज को फाड़ने ओढ़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है प्री मोलर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कप्स दिखाई देंगे ऐसे ग्रूव नजर आएंगे और मोलर में भी आपको ग्रूव नजर आएंगे सो so, इसमें दो कप्स रहते हैं प्री मोलर के अंदर और मोलर के अंदर तीन कप्स रहते हैं तो ट्राई एंड बाई दिस इज नॉट रिलेटेड टू द हाथ ट्राई एंड वाइक तो दो ऐसे ग्रूफ अगर हो दो ऐसे ग्रूव हो तो बाईक स्पीड और तीन ऐसे ग्रूव हो तो ट्राई स्पीड एंड दिस प्रीमोलर एंड मोलर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड मास्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग अप चबाने में फूड को चबाने में मदद करता है ये हमारा प्रीमोलर एंड मोलर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंटल फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूले की तरह ही हम बात करेंगे ठीक है तो डेंटल फॉर्मुला क्या है इट इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल यानी वन टू थ्री फोर के बारे में बात करेंगे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट अरेंज कैसा है कौन सा टाइप है और कितने नंबर हैं अपर और लोअर हाफ यानी मान लीजिए पूरा हमारा माउथ है ठीक है तो यहां पे किस टाइप के दांत हैं है ना यहां पे नुकीले हैं फ्लैट हैं कैसा है है ना अरेंजमेंट कैसा है टाइप कैसा है और कितने नंबर है अपर और लोअर लोअर हाफ पूरा हमें काउंट नहीं करना है और इसे दो से मल्टीप्लाई कर देना है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा हमारा और ये वाला भी आ जाएगा कंप्लीट दांत हमें पता चल जाएगा हमारे माउथ के अंदर क्या है सो वी नो वेरी वेल द इंसाइजर कनाइन प्री मोलर एंड मोलर डिवाइडेड बाई इंसाइजर कनाइन प्री मोलर एंड मोलर इंटू टू दैट इज कॉल डेंटल फॉर्मुला बट दिस कैनाइन इज एब्सेंट इन हर्वी वोरस और हर्वी वोरस जैसे गाय भैंस बकरी उनको किसी चीज को फाड़ने की जरूरत नहीं होती है फ्लैश को टीयर करने की जरूरत नहीं बिकॉज द हर्वी वोरस इज नॉट फीड ऑन द फ्लैश है ना घास खाती है घास को फाड़ने की जरूरत नहीं है इसलिए जो केनाइन जो होता है एब्सेंट होता है पूरा जो हमारा दांत होता है दांत जो होता है दो इसके सेट होते हैं वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेट अनदर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेट या यूं कहें मिल्क तीथ एंड पर्मानेंट तीथ मिल्क तीक जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे डेढ़ साल का होगा एक साल का होगा बच्चा का दांत आने लगता है और आप देखेंगे चार पांच साल बाद पूरा का पूरा कंप्लीट दांत आ जाएगा फिर पांच साल बाद उसके दांत टूटने लगते हैं और फिर जो है छह सात साल बाद फिर से आने लगते हैं है ना तो दो बार आते हैं इसलिए डाई बोलते हैं डाई फाई डॉन्ट, डाई का मतलब होता है दो तो हमारे जो दांत होते हैं दो बार आते हैं तो डाई फाई डॉन्ट है हमारे दांत जो है इम्बेडेड होते हैं धसे हुए होते हैं सो वी आर थीको डोंट थी कोट तो डाईफाई डोंट एंड थीको डोंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन तीथ ह्यूमन तीथ राइट दूसरा अगर हम बात करें कि मिल्क तीत का जो फॉर्मूला होता है टू वन जीरो टू डिवाइडेड बाय टू वन जीरो टू इंटू टू अब आप बता सकते हैं कि दिस टू इज इन साइज दिस वन इज कै नाइन प्री मोलर इज एब्सेंट इन मिल्क थिथ एंड मोलर इज प्रेजेंट इन मिल्क थिथ डिवाइडेड बाय टू इन टू टू दैट इज ऊपर दस है ना इसको अगर ऐड करेंगे आप दो और एक तीन तीन और दो पांच पांच इंटू टू दैट इज टेन यहाँ पे देखें टू और वन थ्री थ्री और टू फाइव और फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टेन तो यानी ऊपर पूरा टेन और नीचे पूरा टेन तो टोटल दांत हमारे हो गए बीस तो मिल्क तिथ इस ट्वेंटी एंड वाइल द अडल्ट में देखेंगे टू वन टू थ्री डिवाइडेड बाई टू वन टू थ्री है ना टू वन टू थ्री डिवाइडेड बाई टू वन टू थ्री इंटू टू तो ऊपर सिक्सटीन और नीचे सिक्सटीन तो दैट इज थर्टी टू दांत होंगे सो दिस मिल्क तेत प्री मोलर तीत इज एब्सेंट इन द मिल्क तीत प्री मोलर तीत में एब्सेंट होता है दूसरी चीज है कि प्री मोलर इज एब्सेंट इन मिल्क तीत इन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक तो uh, है तो प्री जो मोलर तीत है दे आर एब्सेंट इन अ इन अ मिल्क तेत फर्स्ट जो दांत होता है ये भी क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था कि जो पहला दांत अपीयर होता है वो सेंट्रल इंसाइजर होता है सेंट्रल इंसाइजर होता है तो जो पहला जो दांत होता है ठीक है वो जो होता है सेंट्रल इंसाइजर होता है एंड द लास्ट तीत टू अपियर इज अ मोलर लास्ट जो तीत होता है वो मोलर होता है और आपको ये पता है कि ये हमारा परमानेंट दांत का वो है अब हम बात करेंगे कुछ अदर एनिमल्स की कभी कभी नीट वाले अगर गुस्से में आ जाते हैं तो ह्यूमन को छोड़ के किसी दूसरे का भी दांत का डेंटल फॉर्मूला पूछ सकते हैं तो पिग लॉयन टाइगर हॉर्स डंकी 3143 डिवाइडेड बाय 3143 वन टू दैट इज 44। फोर काव वे फेलोशिप गॉट जीरो जीरो थ्री थ्री डिवाइडेड बाय थ्री वन थ्री थ्री इंटू टू दैट इज थर्टी टू तो आपको ये नंबर और इनके फॉर्मूला को याद जरूर रखना चाहिए कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है अब हम बात करते हैं कुछ अदर टर्म्स की द टर्म एसोसिएटेड विद द तीथ टर्म एसोसिएटेड विद द तीथ द फर्स्ट तीथ इज कॉल्ड बूनो डोंट का मतलब होता है कि अगर मान लो कि किसी दांत के अंदर कप्स जो होते हैं कप्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे हों कप्स जो हैं छोटे छोटे हों सो दैट इज कॉल्ड बूनो the small cups is called bunodont example the human being ape and monkey skeuodont cecodont cecodont ka matlab pointed cups. to cups jo honge pointed mein honge like this pointed ho to cubs jo hote hain pointed mein agar ho to that is called uh, cecodont uh, carnivorous unke jo uh, cups कप्स जो होंगे पॉइंटेड हो गए नुकीले होते हैं जाके फंस जाते हैं tearing में भी मदद करते हैं One is called ब्रीडी क्राउन पार्ट स्मॉल और क्राउन बहुत ही छोटा होगा ठीक है दैट इज कॉल्ड ब्रेडी डोंट एंड देर इज अ लोफो डोंट दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्री मोलर एंड मोलर तो दिस इज अ समर्म विच इज एसोसिएटेड विद द तीथ नाउ द डिजीज अब हमने पूरे दांत के बारे में पढ़ा अब हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डिजीज जो है इस दांत के लिए एसोसिएटेड होता है द फर्स्ट डिजीज इज क्वाइट कॉमन दैट इज पायरिया पायो का मतलब होता है व्हाइट रिया का मतलब होता है डिस्चार्ज जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोरिया मेनोरिया दैट इज अ मेंस्ट्रुअल प्लस मेंस्ट्रुअल ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना दैट इज कॉल्ड मेनोरिया ऐसे होता है पायोरिया पायो मींस व्हाइट रिया मींस डिस्चार्ज सो तो पायो मींस व्हाइट रिया मींस डिस्चार्ज तो व्हाइट फ्लूइड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द टीथ दैट इज कॉल्ड पायोरिया सो व्हाइट डिस्चार्ज एंड इट इज ऑल्सो समटाइम्स दैट इज ब्लीडिंग कम दांत से मसूड़े से खून आने लगता है सो वॉट इज अ कॉस्टिव एजेंट वॉट इज अ कॉस्टिव एजेंट ट्राइकोनोमास ट्रैनिक्स एंड बकालिसिस ट्राइकोनोमास ट्रैनिक्स एंड बकालिस इज अ कॉस्टिव एजेंट फॉर द पायरिया एंड जो है ट्राइकोनोमास ट्रैनिक्स एंड बकलिस जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है बाय द शेयरिंग आर्टिकल्स लाइक फूड है ना किसिंग एक मीडियम भी हो सकता है उससे हो सकता है एंड द सेकेंड डिजीज इज कॉल फ्लोरासिस सो मोल्टिंग ऑफ इनेमल इज ड्यू टू द एक्सेस फ्लोरीन इन अ वॉटर अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोरीन अगर आ जाए अगर मान लीजिए कि जो आप ड्रिंक कर रहे हैं पानी पी रहे हैं उस ड्रिंकिंग वाटर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोरीन हो तो आपके जो इनेमल जो होता है जो आप आपस में जो कवरिंग uh, होता है जो चारों तरफ कवरिंग होता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसको खराब कर देगा दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस सो दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस राइट सो ये हमारी बीमारी हो गई सो द प्राइमरी डेंटेशन इन ए ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन इज नॉट हैविंग विच ऑफ द फॉलिंग टीथ तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी में तो होता है बट uh, मतलब कि इनमें क्या नहीं होता है तो दैट्स प्री मोलर इज एब्सेंट इन प्राइमरी तीथ है ना इट इज प्रेजेंट इन परमानेंट तीथ बट जो प्राइमरी तीथ में प्री मोलर नहीं हुआ ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन अगला जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मुला द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर एंड लोअर

ओस्टियो ब्लास्ट ओस्टियो क्लास इट इज रिलेटेड टू द बोन इट इज नॉट रिलेटेड टू द तीथ सो दिस इज ऑल अबाउट द तीथ एट करते हैं तो टंग के बारे में देखते हैं कि टंग क्या है कैसे है सो ओरिजिन ऑफ टंग इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन ओरिजिन जो होता है टंग का हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है एंड जो टंग होता है आगे के साइड से फ्री रहता है बट इट इज अ फिक्स एट द पोस्टीरियर साइड इट इज अ फिक्स एट द पोस्टीरियर साइड ठीक है तो पोस्टीरियर साइड से जो है हमारा टंग फिक्स रहता है तो पोस्टीरियर साइड से हमारा टंग फिक्स रहता है इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी कॉल ऑफ फेरेन ठीक है तो माउथ कैविटी जो होता है आगे अगर हम देखेंगे फ्लोर जो होता है आगे के साइड अगर ये मान मान लीजिए टंग है तो आगे के साइड से अटैच होता है इसे फेन्यूरलम बोलते हैं इन फ्रॉग के अगर हम बारे में बात करें फ्रॉग के बारे में बात करें तो इट इज अटैच टू द एंटीरियर एंटीरियर से अटैच रहता है और पोस्टीरियर फ्री रहता है तो ये पीछे वाला टंग आगे आ जाता है पीछे वाला टंग आगे आ जाता है और इसके ऊपर बहुत सारे म्यूकस का कोटिंग रहता है और इंसेक्ट को पकड़ के और फिर अंदर ले लेता है सो इन फ्रॉग द टंग इज अटैच टू एंटीरियरली आगे से अटैच रहता है पीछे से फ्री रहता है और फ्री वाला आगे आता है और दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द कैचिंग द इंसेक्ट So, यहां पे हम स्ट्रक्चर ऑफ टंग के बारे में बात करेंगे कि uh, कैसे इंटरनल uh, स्ट्रक्चर होता है क्या होता है तो हमारा जो टंग होता है हमारा जो टंग होता है बेसिकली इसके दो हिस्से होते हैं दो हिस्से होते हैं तो जो दो हिस्सा कर रहा है यहां पे आप देख पा रहे हैं ये वी शेप स्ट्रक्चर कर रहा है एंड दिस वी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनलिस दिस वी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस तो सल्कस टर्मिनालिस जो होता है जो इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस एंड दिस सल्कस टर्मिनालिस इज सेपरेट द टंग इनटू द टू पोर्शन द इंटीरियर वन एंड पोस्टीरियर वन इंटीरियर और पोस्टीरियर यहां पे नहीं बोलते हैं द ओरल वन एंड फेरेंजियल वन तो जो हम टंग देख पाते हैं जितना टंग हम निकाल पाते हैं सो दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ओरल uh, पार्ट और जो पीछे के साइड अटैच रहता है दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट इसे हम फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट राइट तो ओरल पार्ट आगे वाला पार्ट दैट इज ओरल पार्ट पीछे वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट अब हम बात करते हैं कि आगे के साइड में जो ओरल पार्ट है इसके ऊपर बहुत सारे छोटे 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 प्रोजेक्शन होते हैं एंड दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड पैपिला तो पैपिला जो बेसिकली क्या होता है कि uh, अगर स्किन है और इस स्किन के ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस नजर आए कोई प्रोजेक्शन आपको नजर आए सो दैट इज कॉल्ड पैपिला तो बेसिकली जो पिंपल होता है पिंपल जो होता है इसी से डराइव होता है पैपिला का ही एक फॉर्म है ठीक है तो पिंपल इज डराइव फ्रॉम द पैपिला पैपिला का मतलब ही होता है आउट ग्रोथ तो हमारे टंग के ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ होते हैं बहुत ही माइन्यूट आउट ग्रोथ होते हैं एंड दिस आउट ग्रोथ इज कॉल्ड पैपिला तो टंग के एंटीरियरली, आगे के साइड में छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आएंगे दिस इज कॉल्ड फंगी फॉर्म पैपिला जो सेंटर में डॉट नजर आएंगे दैट इज कॉल फिली फॉर्म पैपिला दिस इज कॉल्ड फिली फॉर्म पैपिला और सबसे बाहर मतलब अंदर के साइड में इन्वर्टेड यू शेप नजर आएंगे दैट इज कॉल्ड सर्कम वैलेड पैपिला सो दिस दिस इज द थ्री टाइप ऑफ पैपिला ओवर अलाइंड विद द सी डायरेक्शन द फंगी फॉर्म विच इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द पैपिला सेंटर में जो होता है फिली फॉर्म और सबसे अंदर की साइड में होता है सर्कम वैलेट पैपिला अब इसके किनारे में भी दांत के जो टंक जो है हमारा टंक के लेटरली साइड में फॉलिएट पैपिला भी होते हैं सो दिस इज अफ ओरिजिन एंड द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ द पैपिला तो ये पैपिला के ये सारे वो हैं तो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सर्कस टर्मिनालिस सर्कस टर्मिनालिस जो कि डिवाइड कर रहा है सो इट डिवाइड टंग इंटू द टू पार्ट वन इज कॉल्ड फेरेंचियल पार्ट ओरल पार्ट फेरेंचियल पार्ट जो होता है इमूवेबल पार्ट होता है मूव नहीं कर सकता है बट हम ओरल पार्ट को जो है मूव करा सकते हैं दिस इज अवेबल सो यहाँ पे देख पा रहे हैं सो दिस इज अ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द टांग और यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया था ऐसे इन्वर्टेड शेप इन्वर्टेड यू शेप के जो पैपिला होते हैं दे आर कॉल सर्कम वैलेट पापिला यहाँ पे डॉट 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 डट आप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल फंगी फॉर्म पापिला और uh, यहाँ पे जो है फिली फॉर्म पापिला आपको देखने को मिल जाएंगे और लेटरली साइड में आपको फॉलिएज फॉलिएट टाइप के पापिला आपको देखेंगे देखने को मिलेंगे सो दिस इज ओरिजिनल एक्चुअली डायग्राम दिस पैपिला इज एनी आउट ग्रोथ विच इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड पैपिला तो सर्कम वैलेट पैपिला जो होते हैं सर्कम वैलेट पैपिला जो होते हैं ये वाला काफी बड़े बड़े पैपिला होते हैं इट इज द लार्जेस्ट साइज इनका साइज जो होता है काफी बड़ा होता है करीब आठ से बारह नंबर के होते हैं करीब आठ से बारह uh, होते हैं दे आर अरेंज इन अ यू और वी शेप ये अरेंज होते हैं यू और वी शेप में एंड टेस्ट बर्ड इज प्रेजेंट टेस्ट बर्ड उसके ऊपर प्रेजेंट भी हो सकते हैं एबनर्स एक ग्लैंड होता है इससे क्वेश्चन एक बार आया था एबनर्स ग्लैंड तो एबनर्स ग्लैंड जो होता है ये लिंगुअल लाइपेज सिक्रिएट करता है इट्स सिक्रिएट अ लिंगुअल लाइपेज विच डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट फाउंड इन द डाइट तो अगर आपके डाइट में कुछ फैट है उस फैट को इमल्सिफिकेशन का काम जो करता है वो हमारा लिंक्वल लाइपिएस करता है जो एबनस ग्लैंड जो टंग के ऊपर ग्लैंड होते हैं वही ये सारा चीज करते हैं तो फॉलिएस पैपिला के बारे में बात करते हैं फॉलिएस विच इज अ वेस्टीजियल विच इज नॉन फंक्शनल बट प्रेजेंट इन द बॉडी तो विच इज अ लिव लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड जो लेटरल साइड में इधर इधर जो प्रेजेंट नजर आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड फॉलिएस पैपिला विच इज अ वेस्टीजियल इन द ह्यूमन बॉडी बट फंक्शन इन रैबिट रैबिट में फंक्शनल uh, होता है एंड uh, जो होता है फिली फॉर्म पैपिला जो होता है दे आर मोस्ट न्यूमरस एंड दे अपियर इन द व्हाइट डॉट तो बहुत ही न्यूमरस होते हैं और आप मिरर uh, में देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं दे आर कॉल्ड फिली फॉर्म पैपिला टेस्ट बर्ड्स इज एबसेंट बट दे आर हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाई द टेक्सचर एंड फूड एंड बोलस फॉर्मेशन तो टेस्ट बर्ड्स यहां पे बेसिकली एब्सेंट होता है दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द बोलस फॉर्मेशन बोलस का मतलब ये होता है कि जो भी हम माउथ खाना खाते हैं एक थिक बॉल की तरह पेस्ट बन जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा विद द फूड दैट इज कॉल्ड अ बोलस एंड फंगी फॉर्म पैपिला दे आर फाउंड इन द टिप टिप के ऊपर फंगी फॉर्म पैपिला होते हैं रेड uh, डॉट में होते हैं टेस्ट टेस्टबस इसमें प्रेजेंट होता है तो uh, जो होता है uh, तो देयर इज अ सम डिजीज एंड देर इज कॉल एंकाइलोग्लोसिया इंकाइलोग्लोसिया ध्यान दीजिएगा इससे क्वेश्चन आ सकता है इंकाइलोग्लोसिया इमोवेबल टंग ड्यू टू द शॉर्ट स्ट्रक्चर अगर दांत काफी छोटे हों ठीक है दांत सॉरी टंग काफी छोटे हों तो दैट इज कॉल एंकाइलोग्लोसिया टंग इज इमोवेबल इन वेल वेल में टंग जो होता है इमोवेबल होता है मूव नहीं कर सकते हैं. कुछ एबनॉर्मिलिटीज इस टंग के अंदर हो सकती हैं वन इज कॉल ए ग्यूसिया एब्सेंस ऑफ टेस्ट तो अगर मान लीजिए खाना खाने के बाद भी आ, आ, टेस्ट ना आए तो दैट दिस टर्म इज कॉल ए ग्यूसिया टर्म को ए ग्यूसिया बोलते हैं ठीक है तो इस टर्म को ए तो ग्यूसिया बोलते हैं ए ग्यूसिया हाइपो ग्यूसिया हाइपो का मतलब होता है कि कम ठीक है कम सेंसेशन आए उतना स्वाद का पता नहीं चल पा रहा एंड ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि पूरे अगर दांत में इन्फ्लेमेशन हो जाए सूजन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस बेसिकली दांत का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो स्वीट को पहचानने में मदद करता है लेटरली वाला हिस्सा होता है वो सॉल्ट को, so, को पहचानने में मदद करता है और जो सेंट्रल वाला होता है बिटर को पहचानने में मदद करता है बट जो होता है पूरा पूरा हमारे माउथ में जो है स्लाइबा प्रेजेंट होता है तो एग्जैक्टली exactly जो है आ, पता ही नहीं पा, चल पाता है कि कहां कहां क्या क्या टेस्ट है सो लिंगुअल वेन इज अ सुपरफिशियली एंड दैट्स वाई दे आर यूज टू द वेरी दैट फास्टर एक्शन फॉर द सम लिंग्वल नाइट्रेट विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट अटैक तो जिस पेशेंट को मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है हार्ट अटैक आता है तो हम उसके टंग के नीचे एक टैबलेट रख देते हैं दिस टैबलेट इज नाइट्रेट नाइट्रेट जो होता है मोनोआइसो प्रोपाइल नाइट्रेट बहुत सारे नाइट्रेट आते हैं तो टंग के नीचे रखेंगे तो टंग के नीचे जो होता है एक वीन होती है दैट इज कॉल सब लिंग्वल वेन दैट इज कॉल लिंगुअल वेन और ये लिंगुअल वेन डायरेक्टली जो है जाके हमारे ब्लड से मिक्स हो जाता है एंड दे रिलीफ फ्रॉम द एमाई और हार्ट अटैक मायोकार्डियन इंफैक्शन एंड हार्ट अटैक सो दिस नाइट्रेट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्ट अटैक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलेवरी ग्लैंड अभी हमने टंग के बारे में देखा अब हम स्लेवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे तब हमारा पूरा माउथ खत्म होगा हमने माउथ में सबसे पहले लिप्स के बारे में पढ़ा फिर हमने तिथ के बारे में पढ़ा फिर जो है हमने टंग के बारे में पढ़ा एंड देन नाउ वी मूविंग फॉवर दर स्लैवरी ग्लैंड इफ आई कंप्लीट द सेलेवरी ग्लैंड देन आई कंप्लीट द होल माउथ सो स्लेवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो इन व्ल द सिलेवरी ग्लैंड इज एब्सेंट वेल में सिलेवरी ग्लैंड एब्सेंट रहता है और कैट में करीब पांच टाइप के सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है कैट में करीब पांच टाइप के सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है फ्रॉग के बारे में बात करें तो सिलेवरी ग्लैंड फ्रॉग में भी नहीं होता है तो व्ल और फ्रॉग में सिलेवरी ग्लैंड नहीं होता है कैट में सबसे ज्यादा सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और सांप में क्या होता है जितने भी स्नेक होते हैं उनके जो पॉइजनस ग्लैंड होते हैं दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड दैट इज द लेवियल स्लेवरिक ग्लैंड ठीक है जैसे हमारे पैरेटेड ग्लैंड होते हैं उनके अंदर लेवियल स्लेवरिक ग्लैंड होते हैं और हमारे अंदर जो स्लाइवा होता है और किसी चीज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है जो भी हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ठीक वैसे ही सांप में भी स्नेक में भी उसका सिलाइवा जो है डाइजेशन में मदद करता है अगर मान लो कि स्नेक ने फ्रॉक को पकड़ लिया तो फ्रॉक को डाइजेस्ट करने में जो मदद करेगा उसका जो है सिलाइवा करेगा बट सांप का सिलाइवा हमारे लिए पॉइजन हो जाता है सांप का सिलाइवा हमारे लिए जहर हो जाता है सो दिस पॉइजनस ग्लैंड इन अ स्नेक इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लेवियल सिलेबरिक ग्लैंड विच इज सिमिलर टू द पैरेटिड सिलाइबरिक ग्लैंड एग्जैक्टली लाइन आया हुआ क्वेश्चन है तो हर एक लाइन को फोकस होकर पढ़ना है याद करना है ताकि इससे बेहतर आउटपुट लिया जा सके सो so, यहां पे पहले स्ट्रक्चर आप देखें फिर आ, आपको आगे मूव करना है सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि आ, एक कान के नीचे एक बहुत बड़ा आपको आ, जो है ग्लैंड नजर आ रहा है एंड दिस बिगर सिलेवरी ग्लैंड इज कॉल पैरेटिड सिलेवरी ग्लैंड सो बिगर सिलेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड पैरेटिड सिलेवरी ग्लैंड विच इज जस्ट बिलो द ईयर तो जस्ट बिलो द ईयर यहां पर जो ग्लैंड uh, होता है दैट इज कॉल्ड पैरिटेड सिलाइबरी ग्लैंड ठीक है तो जब भी हम आंख uh, जो कान का ऑपरेशन करते हैं जैसे आप ई एन टी पढ़ेंगे मेडिकल में जाएंगे जब एमबीबीएस करेंगे तो देर इज अ डिजीज विच इज क्वाइट कॉमन सी ओ एस ओ एम और एस ओ एम ठीक है काफी कॉमन होता है डिजीज इंडिया के अंदर और इससे डेफनेस होती है इससे जो है हमेशा मवाद आते रहता है बोन भी जो हमारे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं मीलियस इनका स्टेप्स वो खराब होने लगते हैं तो इसे ऑपरेट करते हैं दूसरा चीज जब भी हम ऑपरेट करें तो पैरेटिड ग्लैंड का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं और अगर पैरेटिड कैंसर हो जाए ठीक है जैसे हमने एक मैं जब इंटर्न था तो पैरेटिड का मैंने सर्जरी देखा था तो इसमें फीसियल नर्व्स यहीं से पैरेटिड से ही गुजरती है अगर फेसियल नर्व कट जाए तो हमारा फेस का एक्सप्रेशन बदल जाएगा ठीक है मुंह टेढ़ा हो जाएगा जब भी हम खाएंगे तो हम सही से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो पैरेटिड जब भी सर्जरी होती है पैरेटिड की जब भी सर्जरी होती है तो वी जस्ट फोकस एंड सेव द फेसियल नर्व्स फेसियल नर्व्स को सेव करना बहुत जरूरी है हमारे एमबीबीएस में भी क्वेश्चन आता है तो सबसे बिगेस्ट जो ग्लैंड होती है सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है हमारे बॉडी के अंदर सिलेवरी uh, ग्लैंड तो दैट इज कॉल्ड पैरेटेड सिलेवरी ग्लैंड एंड दिस पैरेटेड सेलेवरी ग्लैंड में आप देख पा रहे हैं यहां पे कि एक छोटा सा पाइप uh, जो है जा रहा है एंड दिस स्मॉल पाइप इज कॉल्ड एक्स्टेंशन दट तो पैरेटेड सेलेवरी ग्लैंड से पाइप जाएगा और सीधा हमारे माउथ में ओपन होगा ठीक है सो दैट इज कॉल्ड स्टेंसन दट स्टेंस दट तो यस जैसे पारो पारो और शाहरुख खान है ना पारो और शाहरुख खान से याद रख सकते हैं देवदास वाली मूवी पैरेटेड सेलेवरी ग्लैंड और एस्टेंसन मतलब शाहरुख खान ठीक है तो जो पैरेटेड सेलेवरी ग्लैंड है वो शाहरुख खान वाला हो गया यहां पे देखेंगे सो दिस इज कॉल अ सब सब का मतलब नीचे मैग्जिला मैग्जिला ये वाला होता है ठीक है मैग्जिला ये वाला होता है तो मैग्जिला और मैंडिबल मैंडिबल के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल वॉडसन डक्ट इसे हम वॉडसन डक्ट बोलते हैं वॉडसन डक्ट और यहां से सॉरी इसे सब मैंडिबुलर और सेलेवरी सल, ग्लैंड कहते हैं और इससे जो छोटा पाइप जाता है दैट इज कॉल्ड वॉटसन डक्ट यहां पे मैं लिख देता हूं मेरे फोटो के वजह से नहीं आ रहा हुआ वॉटसन डक्ट वॉटसन डक्ट तो इससे जो पाइप निकलती है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर से दैट इज कॉल्ड वॉटसन डक्ट और यहां पे आप देख रहे हैं इस वाले ग्लैंड को फोकस करें सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सब लिंग्वल सब का मतलब नीचे लिंगुआ का मतलब टंग तो टंग के नीचे भी एक सलाइवरिक ग्लैंड है सो दैट इज कॉल्ड सब लिंग्वल ग्लैंड और इससे जो डक्ट uh, जा रही है दैट इज कॉल्ड रिवनस डक्ट। ये डक्ट जो है देख रहे हैं कि तीनों डक्ट जो है अल्टीमेटली माउथ में ओपन हो रहा है और अपना अपना स्लाइवा इस माउथ के अंदर लेके जा रहे हैं और बेसिकली आपको डक्ट का नाम जरूर याद करना एक बार रिपीट करते हैं पैरेटेड सेलेवरिक ग्लैंड स्टिंटस डक्ट सब मेग्जलरी सब मैंडिबुलर सेलेवरिक ग्लैंड वॉटसन डक्ट एंड रिवनज सब लिंग्वल ग्लैंड इज अ रिवनिस्ट डक्ट सो दिस इज इंपॉर्टेंट तो ए आई पी एम टी और नीट बात कहें नाम बदल गया चीज वही है वॉटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विथ यहां पर देख रहे हैं दिस इज अ वॉटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विथ सब मैग्जलरी और सब मैंडिगुलर डक्ट तो बिना हिचकिचाए आप इसका आंसर सी लगा देंगे क्योंकि बहुत ही आसान है आपको यहां पे विजिबल है दिखाई दे रहा है ठीक है और अगर इस इमेज को अगर आप दिमाग के अंदर बैठा लें तो शायद इससे कुछ भी क्वेश्चन आए आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे तो थोड़ा सा हम इसे एलोबरेट करके पढ़ते हैं पैरेटिड जो ग्लैंड होता है इट इज जस्ट बिलो द बिलो द टीयर ये टीयर सॉरी ईयर के जस्ट बिलो रहता है पैरेटिड सेलेवरी ग्लैंड ईयर के जस्ट बिलो रहता है एंड ईयर के जस्ट बिलो रहता है एंड इट इज अ लार्जेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड इट इज अ लार्जेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड होता है लार्जेस्ट सिलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है स्टेंसन डक्ट इससे ओपन होते हैं स्टेंसन इससे ओपन होते हैं सीरो म्यूकस सिक्रेशन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है एक बार कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन पूछा था कि जो ये मम्स होता है जो स्वेलिंग होता है स्वेलिंग किसका मॉडिफिकेशन होता है स्वेलिंग जो होता है किसका मॉडिफिकेशन होता है तो दिस स्वेलिंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेटिड ग्लैंड तो मम्स जो होता है पैरेटिड ग्लैंड स्वेल हो जाता है पूरा फूल जाता है एंड दिस मम्स इज कॉजेज बाय द पैरा ग्रुप ऑफ द वायरस है ना ये स्वेलिंग हो जाता है और ये uh, उसी का मॉडिफिकेशन है पैरेटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है सब मैंडिबुलर की बात करें तो इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला वॉटसन डक्ट अभी हमने देखा था इससे ओपन होते हैं एंड इट इज सब लिंग्वल इट इज सिचुएटेड बिलो द टांग रिवनस इससे एसोसिएटेड हो